हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप दोस्तों? हम और आप दोनों देख रहे हैं टोटल नॉलेज, और दोस्तों टोटल नॉलेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दोस्तों इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को डाल दिया है, और बुक के अलावा भी कुछ तथ्यों को डाल दिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या कई पेपरों में वो आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आप हमारे उत्साह को हमें प्रेरणा देते रहें कि ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। और दोस्तों अगर आप इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहाँ से जाके आप इसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये क्लास सिक्स के इतिहास का चैप्टर है, और दोस्तों मैंने अपने वीडियोस पे ज्योग्राफी के सारे डाल दिए हैं, अपने चैनल पे सारे वीडियो जो हैं ज्योग्राफी के डाल दिए हैं। एक दो चैप्टर रहते हैं हिस्ट्री के, वो आज मैं कल तक या परसों तक ख़त्म कर दूंगा इनको, और उसके बाद मैं सिविक्स शुरू करूंगा, और साइकोलॉजी के भी ढेर सारे मैंने नोट्स डाल दिए हैं, तो आप उसे जाके अवश्य देखें, जो जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय की बात करें, प्राचीन समय में, तो सोना और मसाले खासतौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। आज ही पता है कि सोना सबसे ज़्यादा हमें बैंगलोर, जो कोलार के खान का नाम सुना होगा, और मसाले पे जो केरला का, जो केरला हो गया और बैंगलोर का जो पीछे वाला बेल्ट है, वो आज भी प्रसिद्ध है। आपको पता है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, यानी काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से बुलाते थे, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड थी। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सिक्के प्राप्त हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत चल रहा था। हमें ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं दक्षिण भारत से, खासकर कर्नाटका से और आंध्रा से, जिससे हमें पता लगता है कि उन दिनों भारत का व्यापार रोम के साथ होता था, और मुख्यतः व्यापार किसका करते थे ये, तो मसालों का, सोनों का और कीमती पत्थरों का। नाविक अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए, यहाँ पहुंचना नहीं आएगा, पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही जो है उन्हें आसानी से भारतीय उपमहाद्वीप तक ला सकती थी। मतलब क्या होता है कि जो धारा होती है, धारा के साथ नाव चलाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे ये, पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए, अरब के पूर्वी तट से पहुंचने के लिए क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसका ये इस्तेमाल करते थे। आपको याद रखना है कौन से मानसून का, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उपयोग करते थे, यहाँ पहुंचने के लिए आएगा। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे कौन सी नदी के मैदानी इलाके उपजाऊ थे, तो वो थी कावेरी, और कावेरी को आपको याद रखना है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कवि त्यागराज ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में कई जगह किया है। कवि त्यागराज हैं जो प्राचीन काल में इसको उपजाऊपन के कारण इसकी चर्चा अपने कविताओं में करते हैं। और दक्षिण की प्रमुख नदी कावेरी का विष्णु पुराण कौन से पुराण में मिलता है, तो आपको याद रखना है विष्णु पुराण में, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है, पूछा जा चुका है मुवेंदार का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया, उस शब्द का क्या नाम है, तो वह है मुवेंदार। और ये कौन थे, तो ये थे चोल, चेर और पांडे, ठीक है। कौन कौन थे, तीन जो मुवेंदार किसे कहा गया, तो आपको याद रखना है चोल, चेर और पांडे को, जिन्होंने 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश की किसने स्थापना की, तो वो की थी हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। और इस वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हरिहर था। आपको याद रखना है कि संगम वंश की स्थापना किसके नाम पे हुई, तो हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पे की। और इस वंश का पहला शासक कौन था, तो हरिहर था। अब पूछा जाता है कावेरी पट्टनम क्या है, तो कावेरी पट्टनम या पूहर दोनों ही नाम है, ये एक चोल बंदरगाह था, ठीक है। चोलों का जो बंदरगाह प्रमुख बंदर था, वो आपको याद रखना पूहर या कावेरी पट्टनम। चोल की राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना है उरैयूर। कहाँ पे थी चोल की राजधानी, तो उरैयूर में।
पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में, ठीक है, जो तमिलनाडु में। अभी पांड्यों का बंदरगाह कौन सा था? तो आपको याद रखना है कोकोई, ठीक है। चेरों की राजधानी कौन सी थी? वो बंजी थी। और इनका प्रमुख बंदरगाह कौन था? तोंडी और मुसूरी। जरूर याद रख लीजिएगा, कई पेपरों में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चोल का हो गया पूहरे, कावेरीपट्टनम बंदरगाह हो गया। इनकी राजधानी थी उरयूर, और पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, और पांड्यों का बंदरगाह था कोकोई, सॉरी कोरकाई, और चेर की राजधानी थी वंजी। चेर बंदरगाह कौन से? तोंडी और मुसूरी। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। इन्होंने क्या किया, टैक्स नहीं लगाया, बल्कि ये क्या करते थे, उन्होंने बोला कि हमें उपहार स्वरूप दे दिया करें, ठीक है। तो ये नियमित रूप से उनसे उपहार की मांग किया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी। उन मुखियाओं की बात कर रहे हैं, चेर चोल और पांडे की बात कर रहे हैं हम, उनके प्रशंसा में ढेर सारी कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथिया, सुंदर कपड़े दिया करते थे, ठीक है। आपने सुना होगा चारण कवियों के बारे में, ये भी उसी प्रकार के लगभग कवि थे। वो उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, और बदले में राजा या जो मुखिया होते थे, इन्होंने मुखिया शब्द का यूज़ किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो उनके लिए कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसकी स्थापना की थी, आपको याद रखना है, सिमुक ने, जिन्होंने कणव वंश के को जो राजा था उसको हरा के मार के की थी, ठीक है। तो राजा पहला हो गया सिमुक, और सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री सातकर्णी के बारे में उसकी माँ गौतमी बाला स्त्री के एक अभिलेख में पता चलता है। उसकी माता का क्या नाम था? तो गौतमी बालाश्री नाम था, जिसके उसी के अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की। दक्षिणा पथ का अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता का होना है। दक्षिणा पथ जो है शब्द आता है कि उसका अर्थ क्या, पूछा जा चुका है, इसमें से डाल दिया है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिणा पथ का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है चीन में। और कब हुआ? तो आज से 7,000 साल पहले हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपा कर रखा। जिन रास्तों से ये लोग यादरा करते थे वो रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से, मतलब जिस रास्ते से ये व्यापार करते थे उस नाम को हम किस नाम से जानते हैं? आज भी सिल्क रूट या रेशम रूट के नाम से हम जानते थे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजे थे। चीन वाले क्या करते थे? ईरान के शासक हो गए या पश्चिम एशियाई शासक जो हो गए, उनको उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजा करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई, और जब उन्होंने भेजना शुरू किया तो लोगों के बारे में पता चला कि ये रेशम है, और रेशम के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठी की, जिससे वो जानकारी पश्चिम तक फैल गई, मतलब वेस्टर्न कंट्री तक वो फैल गई। करीब 2,000 साल पहले रोम के शासकों और उन लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया, और रेशम चूंकि हल्का होता था और देखने में भी सुंदर होता था, तो लोगों ने उसे फैशन के तौर पर भी पहनना और यूज़ करना शुरू कर दिया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे जिन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा? तो थे कुषाण। करीब 2,000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, ठीक है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन से? तो आपको याद रखना है पेशावर और मथुरा, ठीक है। तक्षशिला अभी इनके राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो है अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है, वो भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं रेशम मार्ग क्या है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। रेशम मार्ग अथवा सिल्क रूट प्राचीन चीनी सभ्यता को पश्चिम तक पहुँचाए जाने का एक अहम रास्ता था, ठीक है। यहाँ से हम क्या थे, वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी सभ्यता की ओर, हम यहाँ से पश्चिम जो देश है वहाँ तक हम जा सकते थे, जो पूर्व और पश्चिम के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करता था, ठीक है। जब हम वहाँ जाते थे तो वहाँ की संस्कृति से भी परिचित हो गए। वैसे चीनियों के लिए क्या था, एक आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही रास्ता था ये। रेशम मार्ग प्राचीन चीन से मध्य एशिया से होकर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला थल व्यापार रास्ता था, ठीक है। कैसा था, तो आपको याद रखना है, थल से होकर जाने के लिए ये एक व्यापार रास्ता था। बड़ी मात्रा में चीन के रेशम और रेशम वस्त्र इसी मार्ग से पश्चिम तक पहुंचाए जाते थे।
रेशम हो या रेशम के बने हुए वस्त्र जो थे वो इसी रास्ते से पहुंचाए जाते थे। पुरातत्वीय खोज से पता चला कि रेशम मार्ग ईसा पूर्व पहली शताब्दी चीन के हॉन राजवंश के समय उत्पन्न हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राजवंश के समय उत्पन्न हुआ था ये रास्ता या खोज शुरू हुआ था, तो आपको रखना है हान राजवंश के समय में। उस समय रेशम मार्ग वर्तमान में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और मिस्र के अलेक्जेंडर नगर तक पहुंचता था, और इसका एक दूसरा रास्ता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के काबुल से होकर यहाँ फारस आएगा, फारसी हो गया है, फारस तक, फारस की खाड़ी तक पहुंचता था। ठीक है, जो दक्षिण की दिशा में वर्तमान में कराची तक पहुंचता था और फिर समुद्री मार्ग से फारस की खाड़ी और रोम तक पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा रेशम मार्ग जिससे रेशम का व्यापार होता था। आपको याद रखना है कब किसके टाइम में ये खोज शुरू हुआ था रास्ता, तो हान बंद के समय में। और मुख्य काम क्या था, इस रास्ते से रेशम या रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था। जहाजों द्वारा रेशम रोमन सम्राट, मतलब रोमन सम्राट कैसे आते थे, तो आपको याद रखना है जहाजों के द्वारा रेशम पहुंचाया जाता है, रेशम के कपड़े। इस उप महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ठीक है, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो आपको याद रखना है कुषाणों ने जारी किया। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो वो थे कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। ठीक है, आपको याद रखना है, बस महत्वपूर्ण होता है कि सबसे सोने का सिक्का किसने जारी किया ये, और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क। बुधचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो आपको याद रखना कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपनी रचनाओं संस्कृत में लिखना शुरू किया। ये टाइम था जब इन्होंने फिर से अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखनी शुरू कर दी। पता है आपको कि जो बौद्ध धर्म लिखे गए हैं, मैक्सिमम जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए प्राकृत भाषा में। ठीक है, क्योंकि उस समय आम बोलचाल की, जो बुद्ध का टाइम है, महात्मा बुद्ध का, उस समय आम बोलचाल की भाषा भाषा जो थी वो प्राकृत थी। भगवान बुद्ध के निर्वाण के मात्र 100 वर्ष बाद ही बौद्धों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे। जैसे ही मरे वो, ये निर्वाण प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, बौद्धों में मतभेद उभर कर सामने आने लगा। और वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति, आपको 4 संगति याद रखनी है, बाद में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ, थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। तो जो उनसे मतभेद रखते थे और उनका मत मतलब भिन्न था, उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक, और जिन्होंने निकाला था उन्हें हिंसाई घोषित कर दिया। और जो बाहर निकले उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया कि वो महासांघिक हैं, और निकालने वालों को क्या कर दिया, वो हिंसांघिक नाम दिया, जिन्हें कालांतर में महायान और हीनयान के नाम में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कि कभी यह हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम में ये हुआ था। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषता थी कि मूर्तियों में विश्वास करने लगे और बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी मूर्तियां बनने लगी, मतलब उनकी विचारधारा के उलट थोड़ा सा काम होने लगा। और इसे आपको याद रखना है कि सबसे पहले जुलूस निकालने का काम भी बौद्ध धर्म में ही शुरू किया गया था। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आया, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास को महत्व प्रशान देते थे। इसकी जगह वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। पहले माना जाता था कि जो बौद्ध हैं बोधिसत्व के लिए क्या करते थे, एकांतवास को महत्वपूर्ण स्थान देते थे अपने जीवन में, कि उनके लिए क्या चाहिए, एकांत चाहिए जहाँ से वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या किया, कालांतर में उन्होंने लोगों के बीच जाकर शिक्षा देने और उनकी मदद करने का काम शुरू किया, और उसके लिए माना कि उन्हें सांसारिक परिवेश में ही रहना चाहिए। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक, जापान तक फैल गई। आपको हमने कल के चैप्टर में देखा था कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने बेटे बेटे को भेजा और कैसे राजाओं का इनको प्रश्रय मिला। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खुदवाई गई। यहाँ पे क्या गई, इनके लिए विहार बनवाए गए, और वो विहार कहाँ थे, तो पहाड़ों में होते थे। ठीक है, मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा बनवाई गई थी उस समय। ठीक है, और कार्ले की गुफा पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। कहाँ, कौन सा, थेरवाद। जान लेते हैं कि थेरवाद है क्या, इसका मतलब होता है कि बड़े बुजुर्गों का, जो थेरवाद शब्द का मतलब है
बड़े बुजुर्ग का कहना बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ का पालन करने पर जोर दिया जाता है। तो त्रिपिटक इनका धार्मिक ग्रंथ है, उसको पालन करने पर इसमें थेरवाद में जोर दिया जाता है। थेरवाद अनुयायियों का कहना है कि इससे वे बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि वही लोग हैं जो बौद्ध धर्म के मूल रूप को मानते हैं। भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फैयान काफी प्रसिद्ध हैं। वो करीब 1600 साल पहले भारत आए, ठीक है सब, कब आए वो 1600 साल पहले। एक पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आया, तो एक ट्रिक है आपको याद रखना है, चीनी यात्री की फांसी हुई, ठीक है। चीनी यात्री की फांसी हुई मतलब फांस क्या, फाइयान, ये है सी से है संगविन, उसे वेनसोंग है विनसोंग, और इस है इत्सिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्रम, आपको फांसी हुई के लिए याद रखना है, तो आपको इनका क्रम याद हो जाएगा। वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया, और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया, ठीक है। हमने देखा है पहले कौन आया, हम चूंकि इस चैप्टर में तीन के बारे में पढ़ना है, फायान, वेनसोंग, इत्सिंग, लेकिन फायान के बाद आते हैं आपको याद रखना शंगविन, फिर वेनसोंग, और फिर आते हैं इत्सिंग, ठीक है। तो वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया, उसके उनके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया, ठीक है। क्रम आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पहले कौन आया और बाद में कौन आया, बस फारसी भी याद रख लीजिए काफी है। फैयान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए यात्रा बंगाल से शुरू की। 2 दिन बाद उनका नाव समुद्री तूफान में जो है फंस गया, समुद्र में तूफान आया उसमें फंस गया। फैयान ने अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की प्रतिमाओं को नहीं फेंका, मतलब अपनी जान बिखेर के उन्होंने पांडुलिपियों को और बुद्ध की प्रतिमाओं को बचा के रखा। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज्यादा, जावा गया सुमात्रा, और जावा अपने नाम सुना होगा, दोनों द्वीप हैं, आइलैंड है। वहां पहुंचने में उसे 90 दिन लगे, वे वहाँ 5 महीने के रुके। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचे, ठीक है। उसके बाद वहां से दूसरा जहाज पकड़ते हैं और वे चीन पहुंचते हैं। वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन चीन वापस लौटा। उन्हें सोने चांदी और चंदन से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एक तरह की पांडुलिपियां होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं पत्तों पे, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा है। तो उसने किया कि सोने चांदी और चंदन चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी, किसने, तो वेनसोंग ने। इसने भी क्या कि 20 घोड़े पे सारे सामान को लादा, उसमें से 50 पांडुलिपियां क्या हो गई, खो गई इसकी, जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। क्यों हो गई, कि वो सिंधु नदी पार कर रहा था तो उसकी नाव पलट गई, जिसमें 50 पांडुलिपियां इसकी खो गई। बाकी जो इसने अपने जीवन का हिस्सा संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया है। वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया, ठीक है। कहाँ पे अध्ययन किया, तो आपको याद रखना है नालंदा में। यहाँ पर नए आगंतुकों से पहले द्वारपाली कठिन प्रश्न पूछते थे, जैसे ये कोई आगंतुक आता था तो उनके पहले जो गेट कीपर द्वारपाल होते थे वही उनसे प्रश्न पूछते थे। वो प्रश्न बहुत ही कठिन होते थे, उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल का सही उत्तर दे पाते थे। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अगर कोई सही उत्तर दे पाता तभी उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती। 10 में 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, कहने का मतलब क्या है कि 10 में से 7-8 लोग जो सही जवाब नहीं दे पाते, यानी उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाती। ये कहें कि 10 में से 2 या 3 लोग ही थे जो सही जवाब दे पाते थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। पूछा जाता है भगवद गीता किसका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है महाभारत का। और भक्ति मार्ग की चर्चा किस में की गई है, तो वो की गई है भगवत गीता में। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और भक्ति पूजा पर जोर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ईश्वर के प्रति लगन और भक्ति पूजा पर जोर देते हैं। इनके अंदर आडंबर नहीं होता, दिखावा नहीं होता है। भक्ति भज भज यहाँ पे आधा जो आएगा या हलत लगा लेंगे, भक्ति भज शब्द से बना जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। अगर पूछा जाए भज शब्द का अर्थ क्या है, तो विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से बना है, ठीक है, किससे बना है, सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूरब में रह रहे थे, ठीक है। शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ, ठीक है, कब हुआ, तो 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था बेतलेहम में। कौन सी जगह है, बेतलेहम में, और बेतलेहम उस समय क्या था, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कल के चैप्टर में देखा था हमने रोमन साम्राज्य के बारे में भी, तो आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ था, तो बेतलेहम में हुआ था,
और बेलम किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो आपको याद रखना है रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वो पश्चिम एशिया से आए थे। जो केरल के ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी शायद ये पश्चिम एशिया से या सीरिया के आसपास वाले इलाके से आए थे। दोस्तों हमारा ये था आज का चैप्टर, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अंत तक देखने लगभग बहुत बहुत धन्यवाद।